वक्त ने थोड़ा सा साथ क्या छोड़ा था, लोगों ने तो उसकी काबिलियत पर ही शक करना शुरू कर दिया था। सिर्फ कुछ दिन क्या खराब गुजरे थे कि लोगों ने तो उसके भविष्य पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया था। विराट के फैंस नाराज होंगे इस बात को लेके, ये भी हो सकता है कि T20 की टीम में इसके बाद विराट की जगह ना हो। वर्ल्ड का नंबर वन प्लेयर भी बाहर बैठ सकता है। छमिया नाच रही है वहाँ। It was a bad shot. I mean, you should ask Kohli, what shot he played. जिनके खुद के किरदार की कोई अहमियत नहीं थी, वे लोग भी अब उसकी शख्सियत को बिगाड़ने निकल पड़े थे। हमारे बड़े प्लेयर यार लंबी हिटें मारने की कोशिश नहीं हो रही, और क्या कर रहे हैं, दो ले लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ यार ये हो क्या रहा है। क्रिकेट की दुनिया का कई सालों से वह बेताज बादशाह था, लेकिन पिछले 2.5 साल उसकी जिंदगी के बेहद दर्दनाक गुजरे थे। 2019 के विश्व कप के बाद उस शख्स पर कई सवाल उठे, कई आरोप लगे, क्योंकि उसके ब्रह्मास्त्र का असर कुछ समय के लिए समाप्त हो चुका था। उसके बल्ले से रन निकलना क्या बंद हुआ कि अब तो गली के कुत्ते भी उस पर भौंकने लगे थे। कोई अगर विराट कोहली फैन है तो सॉरी आगे जो भी होने वाला तुम्हारे साथ। कुछ ज्यादा ही जीरो मार रहा है, जीरो पे जीरो मार रहे जा रहा है, तो अब सट्टा ये नहीं लगता कि आज के मैच में वो जीरो मारेगा कि नहीं। अब सट्टा ये लगता है कि जब वो जीरो मारेगा कैमरा बेटी की तरफ जाएगा या माँ की तरफ। करियर खत्म हो चुका है उसका, रेस्ट इन पीस हो चुका है वो। 2 करोड़ी के कंटेंट क्रिएटर अब उस खिलाड़ी पर मीम बना रहे थे, जिस खिलाड़ी के सामने क्रिकेट की धरती पर पैदा होने वाला हर छोटा बड़ा गेंदबाज तमीज और अदब से पेश आया करता था, जिस खिलाड़ी के सामने दुनिया के हर बम और बारूद आने से पहले ही फट जाया करते थे, जो खिलाड़ी अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में लगभग 25,000 रन बना चुका था, जिस खिलाड़ी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में लगभग 70 सेंचुरी मार दी थी, अब उस खिलाड़ी के अस्तित्व पर सवाल उठाया जा रहा था, और पिछले 2 सालों से वह खिलाड़ी अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा था। विराट कोहली के खून के आंसू निकल रहे हैं, रन नहीं निकल रहे उसके। खेल से बड़ा हो गया था वो, क्रिकेट से बड़ा हो गया था विराट कोहली। मैं जब चाहे आराम कर लूंगा, जब चाहे आके मैं खेल लूंगा, जब चाहे मैं रन बना दूंगा, मैं तो विराट द कोहली, लगा लो कोहली को, कोहली की बोली बंद है। और एक दिन पूरा भारत अपनी आंखों में आंसू लेकर अपनी आंखों के सामने भारत की पराजय को देख रहा था। संपूर्ण भारत विरोधी मानसिकता वाले भारत की हार का इंतजार कर रहे थे। दुनिया के नजरों में भारत की हार निश्चित थी, लेकिन आज एक बार फिर भारत का वह बेटा भारत के तिरंगे की हिफाजत के लिए अपने पसीने और पराक्रम की बदौलत विरोधियों के मंसूबों पर पानी फेर रहा था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी विद सोनू का स्पेशल एपिसोड फाइट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। साल 2019 के ओडीआई विश्व कप में 55 के औसत और 94 के स्ट्राइक रेट से 443 रन बनाने के बावजूद भी विराट की कप्तानी में भारत इस विश्व कप के सेमीफाइनल से बाहर हो गया, और इस विश्व कप के बाद विराट के परफॉर्मेंस में गिरावट दर्ज होनी शुरू हो गई। साल 2020 और 21 में टेस्ट की 25 पारियों में विराट का बल्ला काफी हद तक खामोश रहा। इन 2 सालों में खेले गए टेस्ट की 25 पारियों में विराट ने 26 के औसत से सिर्फ 652 रन बनाए, और इन 2 सालों में विराट के बल्ले से शतक एक भी नहीं निकला। ओडीआई में विराट के बल्ले से कुछ रन तो निकले, लेकिन सेंचुरी यहाँ भी टेस्ट की तरह गायब थी। शतकों के लिए मशहूर शतकों का वह शहंशाह अब पिछले 2 सालों से सिर्फ 1 शतक के लिए तरस रहा था। पिछले 10 सालों से ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट का बादशाह रहा या बल्लेबाज, देखते ही देखते अब लोगों की ट्रोलिंग का शिकार हो रहा था। कहते हैं ना, वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, पर अपनों का पता चल जाता है वक्त के साथ। देखते ही देखते इन 2 सालों में विराट के लिए पूरी दुनिया ही बदलने लगी, और साल 2021 के T20 विश्व कप में विराट की कप्तानी में भारत अपना पहला ही मैच पाकिस्तान से 10 विकेट से हार जाता है। भारत एक बार फिर वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। भारतीयों के लिए एक बार फिर ताली बजा देता हूँ। पहले मैच में पाकिस्तान से भारत को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान का हर प्लान इस मैच में बिल्कुल हिट और फिट साबित हुआ, और टीम इंडिया की हर रणनीति, हर प्लान फ्लॉप हो। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि हिंदुस्तान को इतनी बड़ी हार, या कहें इतनी निराशाजनक या शर्मनाक हार आज झेलनी पड़ेगी पाकिस्तान के खिलाफ। किसी भी विश्व कप के इतिहास में भारत पहली बार पाकिस्तान से पराजित हो चुका था, और वो भी पूरे के पूरे 10 विकेट से। And finally has managed to win. मिथ टूट गई है, मिथ हमने निकाल दी है इंडिया की। हम मौसम कौम की तरह बढ़ के नहीं मारते मैच से पहले। कॉम्प्रिहेंसिव विन हमने ली है, और इंडिया को ये बता दिया है यू आर अप अगेंस्ट वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल नेशन ऑफ दिस प्लैनेट, नॉट जस्ट अ क्रिकेट टीम।
यह हार इतनी बड़ी थी जिसका सदमा भारत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इस जीत का जश्न पाकिस्तानी ढोल पीट पीट कर मना रहे थे। आप मेरे पीछे जश्न देख सकते हैं, अवाम गलियों से निकल के रोड के ऊपर आ गई है और ये ढोल पूरी रात चलेगा। कितने खुश है पाकिस्तान के जीत के। भाई ये फाइनल समझे इसे, ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने उठा ली है। काटो 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 का। इतिहास में दर्ज हो चुकी इस पहली जीत को पाकिस्तान संभाल नहीं पा रहा था और भारत इस हार को सहन नहीं कर पा रहा था। विश्व कप के इतिहास में पाकिस्तान के हाथों दर्ज हो चुकी इस पहली पराजय ने पूरे देश का माहौल खराब करके रख दिया था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट का हर छोटा बड़ा जानकार विराट और विराट की कैप्टेंसी को कटघरे में खड़ा कर रहा था। देखते ही देखते विश्व क्रिकेट का वह महान बल्लेबाज अब अपने ही देश में विलेन बन चुका था। कोई कहीं से भी उठकर आता और उसे ट्रोल करके चला जाता। जिस शख्स ने अपना पूरा बचपन और पूरी जवानी क्रिकेट के हवन कुंड में समर्पित कर दिया था, अब उसका क्रिकेट ही उससे उसका सब कुछ छीन रहा था। जिस खिलाड़ी ने अपनी कैप्टेंसी में टीम इंडिया को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 7वें पोजीशन से पहली पोजीशन पर पहुंचा दिया था, अब उस विराट से तीनों फॉर्मेट से कप्तानी वापस ले ली जाती है। कुछ पागल तो अब विराट के टीम में होने पर ही सवाल खड़े कर रहे थे और कुछ पागल विराट को सीधे सीधे टीम से बाहर कर देने की बातें कर रहे थे। लेकिन जिंदगी के इस नाजुक मोड़ पर एक शख्स ऐसा भी था जो हर पल विराट के साथ खड़ा रहा, और यह शख्स कोई और नहीं बल्कि अनुष्का थी। अनुष्का फिल्मों में एक बेहद कामयाब हीरोइन तो थी ही, लेकिन अपने निजी और पारिवारिक जीवन में भी वो लड़की सबसे बड़ी हीरोइन थी। खैर, जब पाकिस्तान ने 2021 T20 वर्ल्ड कप में भारत को 10 विकेट से पराजित किया, उसके ठीक 364 दिनों बाद वक्त ने एक बार फिर करवट लिया और 2022 T20 वर्ल्ड कप में फिर वही दोनों टीमें, भारत और पाकिस्तान, एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने थी। मेलबर्न के इस मैदान पर इस बार भारत के पास मौका था पिछले विश्व कप में अपने दामन पर लगे दाग को धोने का, और पाकिस्तानी अपनी पिछली जीत से अति उत्साह में पागल होकर एक बार फिर भारत को पराजित करने का सपना देख रहे थे। पाकिस्तानियों का उत्साह इतने चरम पर था कि पाकिस्तानी जगह जगह हजारों की संख्या में इकट्ठा होकर भारत को पराजित होते हुए देखना चाहते थे। पाकिस्तानियों को 10 विकेट से मिली जीत का अहंकार और भारत पराजय की अभिलाषा इतनी प्रबल थी कि पाकिस्तानी बकायदा लाइव शो करके इस मैच को देख रहे थे। खैर, मेलबर्न के इस ग्राउंड पर 23 अक्टूबर 2022 को दोनों टीमें अपने दिलों में जीत का अरमान और जेहन में बदले की आग लेकर एक दूसरे के आमने सामने थी। मेलबर्न का यह स्टेडियम भारत और पाकिस्तान के झंडे से सराबोर इस ऐतिहासिक मैच और इस ऐतिहासिक पल को अपने अंदर समेट लेने के लिए उतावला हो रहा था। इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी थी। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए अब एक दूसरे के आमने सामने थे और हिटमैन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाक की तरफ से नकली किंग बाबर और रिजवान ने पारी का प्रारंभ किया और भारत की तरफ से गेंद भुवन के हाथों में थी और भुवन ने भारत को एक शानदार शुरुआत दी। भुवन ने इस ओवर में वाइट का सिर्फ एक रन खर्च किया और बाकी 6 गेंदों पर रिजवान के बल्ले से कोई रन नहीं निकला। और अगले ओवर में दीप ने इस विश्व कप में अपनी पहली ही गेंद पर बाबर का विकेट लेकर पाकिस्तानियों के मचल रहे अरमानों को ठंडा कर दिया। सिर्फ एक रन के स्कोर पर बाबर ने अपनी टीम का साथ छोड़कर बता दिया कि मैं जिम्बाब्वे के दौरे पर ही खेलूंगा, आज इंडिया के खिलाफ तो रिजवान तुम ही देख लो। महज एक रन पर पाक के कप्तान को अर्शदीप ने वापस भेजकर पारी के चौथे ओवर में पुनः एक बार प्रहार किया और इस बार रिजवान का विकेट लेकर पाकिस्तानियों के मंसूबों को धूमिल कर दिया। पांच ओवर की समाप्ति तक सिर्फ 24 रन के टोटल स्कोर पर पाक का बादशाह और हुकुम का इक्का दोनों वापस जा चुके थे। बाबर और रिजवान के जाने के बाद अब पाकिस्तान की उम्मीदों का भार इफ्तिकार चाचा और शान मसूद के कंधों पर था और इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत की आंधियों से बुझते पाक की उम्मीदों के दीपक को अपनी हथेलियों का सहारा दे दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने पाक की पारी को 10 ओवर की समाप्ति तक 60 रन तक पहुंचा दिया और 12वें ओवर में चाचा इफ्तिखार ने अक्षर के ओवर में बैक टू बैक 3 छक्के लगाकर
अक्षर के इस ओवर से 21 रन लूट लिए। चाचा के इस प्रहार से पाकिस्तानी अभी तैश में आ ही रहे थे कि 13वें ओवर में चाचा का सामना बाप से हो गया। मोहम्मद शमी ने अपने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर चाचा इफ्तिकार का विकेट लेकर चाचा को इस बढ़ती उम्र में ज्यादा तनाव न लेने का फरमान सुना दिया। मोहम्मद शमी ने ऐसे नाजुक मौके पर इफ्तिकार का विकेट लिया था जो इस मैच का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इफ्तिकार उस दिन सिर्फ 33 गेंदों में 51 रन बनाकर पाकिस्तान के लिए जुगनू से सूरज बनने की कोशिश कर रहे थे। इफ्तिकार के जाने का गम पाकिस्तानी अभी भूल भी नहीं पाए थे कि 14वें ओवर में हार्दिक ने बैक टू बैक शादाब और हैदर का विकेट लेकर पाकिस्तानियों के लाइव शो का मजा किरकिरा कर दिया। पंद्रह ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान के खाते में 106 रन जमा हो चुके थे। शान मसूद 31 गेंदों पर 36 रन और नवाज 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर पाकिस्तान के स्कोर बोर्ड को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 16वें ओवर में हार्दिक ने एक बार फिर अपने तीसरे विकेट के रूप में नवाज को अपना शिकार बना लिया। भारतीय गेंदबाजों का ये प्रहार अनवरत जारी रहा और पाक ने अपने 20 ओवर पूरे खेलकर 8 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाकर भारत को 160 रनों का लक्ष्य दे दिया। 160 रनों का यह लक्ष्य कोई मुश्किल लक्ष्य तो नहीं था, लेकिन अपने रफ्तार के दम पर पाकिस्तान भारत को शिकस्त देने का ख्वाब सजो रहा था। इस लक्ष्य को भेदने के लिए भारत की तरफ से हिटमैन और राहुल की जोड़ी अब मैदान में थी और अगली 120 गेंदें तय करने वाली थी कि किसका सर कलम होगा और किसकी तलवार रमा रमा होगी। अगले दिन भारत में दीपावली का त्योहार था और अगली 120 गेंदें तय करने वाली थी कि आज की रात पाकिस्तान में टीवियां तोड़ी जाएंगी या कल की दिवाली भारत आज ही धूमधाम से मनाएगा। पाकिस्तान की तरफ से आक्रमण के लिए गेंद अब शाहीन के हाथों में थी और शाहीन ने अपने इस ओवर में सिर्फ 5 रन खर्च किए और दूसरे ही ओवर में नसीम ने राहुल का विकेट लेकर भारत को बैकफुट पर ला दिया। और टीम इंडिया पर सबसे बड़ा प्रहार तो तब होता है जब चौथे ओवर में रऊफ ने अपने रफ्तार में हिटमैन को गिरफ्तार कर लिया। हिटमैन का विकेट लेने के बाद पाकिस्तानियों का सेलिब्रेशन आसमान की बुलंदियों पर था और भारत की उम्मीदें जमीन पर पड़ी सिसकियां ले रही थी। पिछले ओडीआई विश्व कप का सबसे सफल और खतरनाक बल्लेबाज 7 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाकर अब पवेलियन वापस जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रोहित के कदम पवेलियन की तरफ नहीं बल्कि भारत के कदम अपनी हार की तरफ आगे बढ़ रहे थे। सिर्फ 10 रन के टोटल स्कोर पर भारत के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज रोहित और राहुल का इस मैच में अंत हो चुका था। रोहित और राहुल के जाने के बाद अब विराट और सूर्या ने भारत की आंखों में आ चुके आंसुओं को पोंछने की कोशिश की, लेकिन 6वें ओवर में रऊफ ने एक बार फिर प्रहार किया और सूर्या का विकेट लेकर इस मैच में भारत के सूर्यास्त का शंखनाद कर दिया। सूर्या ने इस मैच में 10 गेंदों में 15 रन तो बनाए, लेकिन जाते जाते भारत की उम्मीदों पर ग्रहण लगा दिया। 6 ओवर की समाप्ति के बाद महज 31 रन के टोटल स्कोर पर भारत रोहित राहुल और सूर्या के रूप में अपने 3 बड़े विकेट बैक टू बैक खो चुका था। संपूर्ण भारत अब भारत की पराजय को अपनी आंखों के सामने देख रहा था। भारत के लिए यह जख्म बेहद गहरा था और यह जख्म नासूर तब बन जाता है जब अगले ही ओवर में अक्षर रन आउट हो जाते हैं। महज 31 रन के टोटल स्कोर पर भारत के 4 बड़े विकेट लेकर पाकिस्तान ने भारत को 2021 के विश्व कप की याद दिलवा दी थी। महज 31 रन पर 4 विकेट गिर जाने के बाद भारत में 70% टीवियां बंद हो चुकी थी और पाकिस्तान में जश्न की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी थी। भारत के अधिकांश लोग अपनी पराजय को स्वीकार कर चुके थे और पाकिस्तानी अपने खिलाड़ियों के पराक्रम पर उतावले हुए जा रहे थे। अब भारत में सिर्फ वे ही लोग इस मैच को देख रहे थे जिन्हें उस खिलाड़ी पर भरोसा था जो खिलाड़ी पिछले 2.5 साल से ट्रोलिंग और आलोचनाओं का शिकार होकर बेहद दर्द में जी रहा था। और जिस खिलाड़ी के टीम में होने पर भी कुछ पागल सवाल खड़े कर रहे थे। यह मैच अब भारत के लिए उतनी ही दर्दनाक स्थिति में पहुंच चुका था जितनी दर्दनाक स्थिति में पिछले 2.5 साल से विराट की जिंदगी थी। और आज 31 रन पर 4 विकेट गिर जाने के बाद विराट के पास मौका था ये साबित करने का कि चीते की चाल, बाज की नजर और कोहली की कंसिस्टेंसी पर कभी डाउट नहीं करते हैं।
और अब मैदान में विराट का साथ देने के लिए जो खिलाड़ी खड़ा था उस खिलाड़ी को भी 2021 के विश्व कप में पाकिस्तान से पराजित होने के बाद उतना ही ट्रोल किया गया था जितना ट्रोल विराट को किया गया था। अपने ही देश में ट्रोलिंग की दुनिया का शिकार हुए ये दोनों खिलाड़ी आज फिर एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां से कुछ ही मिनटों बाद आज एक बार फिर ये दोनों खिलाड़ी या तो ट्रोल होने वाले थे या तो ट्रेंड करने वाले थे। खैर, 7 ओवर की समाप्ति और सिर्फ 33 रन पर 4 विकेट के बाद यह खेल अब आगे बढ़ता है। भारत को यह मैच जीतने के लिए अब सिर्फ 78 गेंदों में 127 रनों की जरूरत थी। कोहली और हार्दिक ने अपने वतन के लिए संघर्ष जारी रखा, लेकिन इस संघर्ष में रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था क्योंकि पिछली 18 गेंदों में इन दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ 12 रन जुटाए थे। अब 10 ओवर समाप्त हो चुके थे और भारत के स्कोर बोर्ड पर अभी भी सिर्फ 45 रन दिखाई दे रहे थे। अगली 60 गेंदों में भारत को 115 रनों की जरूरत थी। 11.50 का यह रिक्वायर्ड रन रेट देखकर जहां भारत खामोश था, वहीं पाकिस्तानी इस मैच में मजे ले रहे थे। लेकिन उन पंचर पुत्रों को कौन समझाए कि क्रिकेट की दुनिया में जब विराट और हार्दिक जैसे योद्धा अपने वतन की हिफाजत कर रहे हों, तब कोई भी रिक्वायर्ड रन रेट मायने नहीं रखता है। और इस बात का एहसास पाकिस्तानियों को 12वें ओवर में ही हो गया। नवाज के इस ओवर में हार्दिक और कोहली ने मिलकर 3 छक्कों सहित 20 रन ठोक डाले और 12वें ओवर में 20 रन लुटाने के बाद पाकिस्तानियों को इस बात का एहसास हो गया था कि अगर यह दोनों बल्लेबाज मैदान में टिके रहे तो उनकी मुट्ठी में कैद हो चुका यह मैच उनकी मुट्ठी से फिसल जाएगा। देखते ही देखते 15 ओवर समाप्त हो चुके थे और भारत के स्कोर बोर्ड पर 4 विकेट के नुकसान पर अब 100 रन दिखाई देने लगे थे। अगली 30 गेंदों में अभी भी भारत को 60 रनों की जरूरत थी और पाकिस्तान की पेस बैटरी के सामने यह लक्ष्य इतना आसान भी नहीं था। अगली 30 गेंदें बेहद रोमांचक होने वाली थी क्योंकि एक तरफ था विश्व क्रिकेट का सबसे तेज बॉलिंग आक्रमण और दूसरी तरफ था विश्व क्रिकेट का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, जिसके रहते भारत के हाथों से यह मैच कोई छीन ले जाए। यह बिल्कुल वैसे ही था जैसे शेर के पंजे से कोई उसका शिकार छीन ले जाए। 16वें ओवर के लिए पाकिस्तानी कप्तान ने गेंद अपने रफ्तार के रहनुमा रऊफ के हाथों में सौंप दी और रऊफ ने अपने इस ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च किए। 17वें ओवर के लिए गेंद नसीम के हाथ में थी और नसीम ने भी 6 गेंदों में सिर्फ 6 रन खर्च किए। मौसम के मिजाज की तरह बदलते इस मैच में अब पाकिस्तान की जीत लगभग तय दिख रही थी क्योंकि अब अगली 18 गेंदों पर भारत को 48 रनों की जरूरत थी और इस जरूरत को देखकर पाकिस्तानी खेमे में घनघोर खुशी थी, वहीं भारतीय खेमा घोर सन्नाटे में था। 18वें ओवर के लिए गेंद अब शाहीन के हाथों में थी और विराट ने शाहीन के इस ओवर से 3 चौकों सहित अपने वतन के लिए 17 रन छीन लिए। विराट के इस प्रहार से मेलबर्न के इस स्टेडियम में खामोश तिरंगा एक बार फिर से बुलंद हो चुका था। अब पाकिस्तान के पास बचे थे 31 रन और भारत के पास बची थी सिर्फ 12 गेंदें और अगली 12 गेंदें तय करने वाली थी कि अगले दिन भारत में दीपावली धूमधाम से मनाई जाएगी या वो पटाखे पाकिस्तान में फोड़े जाएंगे। कुछ ऐसे ही हाल और हालात में 19वें ओवर के लिए गेंद एक बार फिर रऊफ के हाथों में थी और रऊफ ने अपनी प्रारंभिक 4 गेंदों पर सिर्फ 3 रन खर्च किए और यह मैच लगभग पाकिस्तान की झोली में डाल दिया क्योंकि अब भारत को सिर्फ 8 गेंदों में 28 रनों की जरूरत थी और यह लक्ष्य भारत की नजरों से बहुत दूर नजर आ रहा था। पाकिस्तानियों का जश्न अब प्रारंभ हो चुका था। पाकिस्तानियों की बूंद बूंद अभिलाषा अब समंदर बन चुकी थी। पाकिस्तानी अपने लाइव शो में इस मैच को जीतने की 1000% गारंटी दे रहे थे। अब मुझे 1000% उम्मीद है ये पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए। भारत में अब एक एक करके टीवियां बंद होने लगी थी और स्टेडियम में मौजूद भारतीय क्रिकेट फैंस की पलकों पर आंसुओं का बोझ अब महसूस होने लगा था। जीत की दहलीज पर खड़ा पाकिस्तान और 19वें ओवर में रऊफ की ये 5वीं गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद और विराट का यह प्रहार और गेंद बल्लेबाज के सर के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर। विराट के बल्ले से निकला यह एक ऐसा शॉट था जो उस दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया था, जिस शॉट का जिक्र उस दिन के बाद आज तक क्रिकेट के हर बड़े मंच पर होता रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा। ऐसा दिन, ऐसा मैच, ऐसा बैट्समैन और ऐसा सिक्स क्रिकेट की दुनिया में कभी कभी देखने को मिलते हैं। भारत और पाकिस्तान के मैच में विराट कोहली ने एक अद्भुत शॉट खेल दिया, एक ऐसा शॉट खेल दिया जो वंस इन अ डेकेड आप उसको कह सकते हैं। पूरा क्रिकेट जगत, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान, टीम इंडिया के कई पूर्व खिलाड़ी, इनफैक्ट पूरी दुनिया के कई सारे खिलाड़ी स्तब्ध हैं।
शॉक्ड है इस शॉट को देखकर। विराट का यह सिक्स रऊफ के अहंकार पर शॉट कम और तमाचा ज्यादा था। विराट के बल्ले से निकले इस सिक्स के बाद रऊफ की रफ्तार हिल गई थी और रऊफ की अगली गेंद को भी विराट ने कलाइयों के सहारे फाइन लेग की दिशा में उछाल दिया और यह गेंद भी 6 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर जाकर लैंड कर गई। और यह गेंद जैसे ही 6 रनों के लिए जमीन पर गिरी वैसे ही पाकिस्तानियों के हाथों की पकड़ उनके झंडों से ढीली पड़ गई। सिर्फ 2 गेंद पहले जो पाकिस्तानी झंडे आसमान में लहरा रहे थे अब वो झंडे खामोश हो चुके थे और भारत का तिरंगा एक बार फिर से बुलंद हो चुका था। पाकिस्तानी अपने जिस रऊफ के रफ्तार के नशे में डूबे हुए थे उसी रऊफ को सरेआम दुनिया के सामने अपना शिकार बनाकर विराट ने बता दिया कि बेटा टेस्ट और वनडे में 71 सेंचुरी मैंने गली के गेंदबाजों को मारकर नहीं बनाई है। अपने रफ्तार के सौदागर पर पड़ी इस मार को देखने के बाद लाइव शो कर रहे पाकिस्तानियों का जोश अब ठंडा हो चुका था। सिर्फ 2 गेंद पहले जो पाकिस्तानी इस मैच को 1000% अपनी मुट्ठी में बता रहे थे वे अब 30-40% पर आकर ठहर गए थे। आप बताए कितना परसेंट किसकी तरफ है? 70-30 ना करें यार, मेजर तो ऐसा लग रहा है स्पिन बॉलर है, मुझे लगता है कि अगर वी में खेलेंगे 45% उनके हाथ में अभी भी। अच्छा 55% स्टिल पाकिस्तान के हाथ। आप समझते हैं 55% हमारे हाथ में, ये समझते हैं 30%। आप दोनों का मिला के भी 100% नहीं हो रहा। रऊफ के इस ओवर में 15 रन लूटने के बाद अब भारत को 6 गेंदों में 16 रन की जरूरत थी। आखिरी ओवर के लिए गेंद अब नवाज के हाथों में थी और नवाज की पहली ही गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में हार्दिक ने कवर पॉइंट पर कैच थमा दिया। लेकिन हार्दिक ने जाने से पहले 36 गेंदों में 40 रन बनाकर अपना काम पूरा कर दिया था। हार्दिक के जाने के बाद अब स्ट्राइक कार्तिक के हाथों में थी और कार्तिक ने पहली ही गेंद पर एक सिंगल लेकर स्ट्राइक फिर विराट के हाथों में सौंप दी। नवाज की तीसरी गेंद पर विराट ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। अब भारत को सिर्फ 3 गेंदों में 13 रनों की जरूरत थी और इस जरूरत को देखकर पाकिस्तानियों के अरमान एक बार फिर जाग उठे थे। लेकिन अभी सिर्फ 3 गेंद पहले ही तो विराट ने रऊफ के रफ्तार को हिलाकर पाकिस्तान और पाकिस्तानी टीम में जो खलबली मचाई थी उसी खलबली का असर था कि नवाज ने चौथी गेंद नो बॉल डाल दी और विराट ने इस नो बॉल को 6 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया। विराट के इस प्रहार से अब पाकिस्तानी खेमा पूरी तरह से हिल चुका था क्योंकि भारत के पास अभी भी 3 गेंदें बची थी और भारत को अब सिर्फ 6 रनों की जरूरत थी। अगली गेंद फ्री हिट थी और विराट की मार से कांप चुके नवाज ने अगली गेंद वाइड डाल दी। फ्री हिट का मौका अभी भी भारत के पास सुरक्षित था। भारत को अब 3 गेंदों में सिर्फ 5 रनों की जरूरत थी और भारत ने इस जरूरत को पूरा करके पाकिस्तानियों के हाथों से इस मैच को छीन लिया। विराट ने सिर्फ 53 गेंदों पर नाबाद 82 रनों की पारी खेलकर पाकिस्तानियों के जबड़े में कैद हो चुका यह मैच उनके जबड़े से छीनकर भारत की झोली में डाल दिया था। संपूर्ण भारत इस जीत पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। विराट ने भारत को एक ऐसी जीत दिलवाई थी जिस जीत के बाद ताली बजा बजा कर लोगों के हाथ सूज गए और विराट विराट चिल्ला कर लोगों का गला बैठ गया। विराट को ट्रोल करने वाले और विराट को टीम से बाहर निकालने की बातें करने वाले भी अब विराट विराट चिल्ला रहे थे। किसी ने नहीं सोचा था कि किंग कोहली की ऐसी वापसी होगी इस मैच में। मतलब समय इज बैक, मतलब अगर कोई जिता सकता था वो वही किंग कोहली थे। ये पारी इम्पॉसिबल टाइप पारी थी, शायद उन लोगों में से मैं एक था जिसको लगता था कि T20 में अब विराट का खेल शायद नहीं चल पाएगा। बट यार आज उन्होंने पाकिस्तान को, बाबर आजम को, दोनों को बताया कि किंग एक ही है, किंग एक ही है। और दिवाली से पहले ही पटाखा फोड़ दिया गया, वो इसलिए कि विराट कोहली साहब ने डिसाइड कर लिया कि ये स्टेज और ये जगह परफेक्ट है मेरे कमबैक के लिए और मेरे नाम के लिए एंड टू गेट हिज नेम बैक। आई थिंक किंग इज बैक एंड इज बैक विद अ बैंग। आई एम रियली हैप्पी। मेरा सवाल यह है कि जब आपको विराट कोहली ने दूसरा छक्का मारा था वर्ल्ड कप में तो आपका रिएक्शन उस वक्त क्या था और आपके मुंह से क्या निकला था उस वक्त? ये जो छक्का लगा वहाँ पे थोड़ा मेरा हार्ट हुआ, निकला ऐसा कुछ भी नहीं मुंह से, बट पर्सनली हार्ट हुआ यार, थोड़ा सा गलत हो गया। लेकिन यार मसला बताऊँ क्या है हारिस भाई, बॉल ठीक थी, वो शॉट बहुत अच्छा था। विराट ने भारत को दीपावली का तोहफा गिफ्ट कर दिया था। संपूर्ण भारत
यह दिन सालों साल याद रखेगा और विराट का यह पराक्रम लोगों को मरते दम तक याद रहेगा।